ए भैया, कुछ दिन पहले आप लोग के बीच में जोन हम नौवा नौनिया के गाना भेजली, बड़ा रुआ सब लाइक कैली और अपन दुलार प्यार भरपूर दियली, एगो फिर वैसने हास्य रस के गीत आप लोग के बीच में भेजत मानी। हमके आशा ना ये विश्वास बा कि आप लोग के यो पसंद जरूर आई। चार लाइन भूमिका लिखलन कवि जी का, किछि पे ना छिपाए कमी और गलती, खांसी और फांसी न दबती दबाए, छिपता नहीं पाप पुण्य और सुख दुख, लाख प्रयास पे सामने पर ओ आए, ठीक वैसी कहानी तूफानी लाल की, जाय ससुराल अपना ओ रंग खूब जमाए, रबियो पी कहेगा के दास्ता सुनो, कर हगा माहू लड़ोड़ हलफा मचाए। ए भैया, एगो गांव में तूफानी लाल रहत रहे। अरे वाह, का करत रहन भैया? अब वो करत तो बहुत कुछ रहलन, तारा घरे ना जात रहलन। तो तूफानी लाल उनकर नहुए ना रहे, नाव के असरो रहे, कामो तूफान रहे, जहाँ रहस तहाँ तूफान मचौले रहस। आज के जमाना देख के, आज के समाज देख के कवि जी के लिखे के पड़ल। का लिखलन कवि जी? ये कवि जी लिखलन हम कि दुनिया के चारो धाम ई ससुराल हो गई, छोटका सार हो गई, आज के जमाना बा माई के काम घर में दाई समान बा, माई के काम घर में दाई समान बा, माई के काम घर में दाई समान बा, मेहरी के बात प्राण के आधार हो गई, तनी बात समझला, कहानी एकदम साफ साफ शीशा जैसन झलके लगी, जैसे शीशा में सूरत लौकेला सबके समझ में चली आई। तूफानी लाल के बियाह भइल, गहना भइल, घर में मेहरारू आई। दू महीना तो रहल मेहरारू घर में, लेकिन दू महीना के बाद फिर ओकर माई बाबू अपना कहीं विदाई करावल, लोग मेहरारू नैहर चल गई। एक दिन बीतल, दू दिन, चार दिन, दस दिन, महीना दिन बीतला के बाद अब तूफानी के एकदम तूफान दिल में आवे लागल। हाँ,
प्रॉब्लम होखे लगल उनकर। बाबू से कहलन की सुनो मेहरारू ते विदा कर दियल, लेकिन हम मानब ना हम तनी ससुरारी जाई, मेहरारू से एक महीना मिलले हो गई, आ ससुरारियों के तनी देख लेब की मजा कैसन होला। बाबू कहलन की जा ए सार, लेकिन तूफान मत मचै हो, काहे कि हमारा डर यही बात के बा कि तू जहाँ रहब चैन से ना रहब। तूफान मचैबे करब। तूफनिया कहलस कि बाबू एकदम चिंता मत करो, तहार इज्जत जाए ना देव, तहार मूछ हमेशा खड़ा कैले रह, इज्जत के पगड़ी तारा के पार पर बनाइल रहे, घबड़ैह मत तू। लेकिन हमके रास्ता बताओ कि आखिर हम कैसे जाए। बाबू कहलन कि बेटा ससुरारी जाए के बाद एगो काम करी, एकदम ए जाले सीधे तार ससुरारी बा, सीधा चल जइह, न दाएं मुड़ीह न बाएं, सीधा एकदम तार ससुरार मिल जाए, चल चल जइब ससुरार तू पहुंच जइब। ससुरार तूफानी चलले हो, कनिया पे बैग टंगले हो, दक्षिण के डहरिया धैले हो, दक्षिण के डहरिया धैले हो, रहिया में बाधा बरियार अइले, तूफानी कपार धैले हो, बाबू कहलन की नहीं दाए नहीं पाए मुड़िया, नहीं पूर्व नहीं पश्चिम कनियो घूमिया, रहिया ने बाधा बरियार लैले, तूफानी कपार धैले हो, आखिरकार तूफानी चल दिहलन, कानी पर बैग लटकौलन, बाबू जैसे बतौलन कि बेटा केनियो घूमिया मत, न दाएं न बाएं, एकदम सीधा चल जा, तार ससुरार मिल जाए। अच्छा तो भैया तूफनिया गांव से निकलल चलल बा, जात जात कुछ दूर सिवान में गईल, एगो रास्ता में तरकुल मिलल, अब कपार धक के बैठ गई तरकुल के ऊपर, कबो तिकवता कबो नीचे तिकवता, सोचा था मन में कि बाबू कहले रहा कि केनियो तारा घूमे के नहीं के एकदम सीधा ही जाले चल जी तार ससुरार मिल जाए। अब तूफानी के कुछ सूझत ना बा, करी तो का करी, हमरा के ना दाएं घूमे के बा ना बाएं घूमे के बा, सामने तरकुल बा, ओकरा निक एगो उपाय सूझल के वही तरकुल पर चढ़ल, चढ़े लागल तरकुल पर, तरकुल पर चढ़ के यारी से ओहारी उतर गई, कलश के आब लस सार तू ही बीच में परे कर रहा, चलल रास्ता में आगे बढ़ल तूफनिया, आ जब आगे कुछ दूर गई, धीरे धीरे दिन ढल गई, शाम होखल गदबेर हो गई, झोलनहारी हो गई, पहुँचल बा कुछ दूर, ए भैया वही गांव के नज़दीक पहुँचल, अपना ससुरारी के नज़दीक, ओकरे ससुर के बैल अपन घरे जात रहल सन, खेत जोत के छूटल रहल सन, खेत से नाद के ओर घर के ओर दौड़ल रहल सन बैल, आ एने एकरा तूफनिया के रतौधी होके
दिन में तो ठीक ठाक तनी कुछ रहबो कइल रतिया के जेम कि डूबे करा एकदम चौबीस आना लौकबे ना करे। तूफानी के अब दिक्कत होके लागल उनके ससुर के बैल छूटल बड़ा सा खेत से घर के ओर चलल बड़ा सा वे का कइलस की का जानत कि केकर बैल हव सन बैल के पूंछ पकड़ लिहलस बैल अपन पहुँचल सन अपना नाद पर ओकरा ससुर के द्वार पर भइल का बाबू अरे बोलल तूफनिया मुस्की काट के जवानिया हो बोलल तूफनिया मुस्की काट के जवानिया हो जीजा के नेकी ना दियाई सुनाए साले अब कतना करी हम भलाई सुनाए साले कहता तूफनिया कि सुना सुना कैसे हमें जब पहुंच गई हम आवत रानी धई के हम रहतिया हो खैरा मनावा भइल हमसे मुलाकातिया हो हमसे मुलाकातिया हो ना तो बैल जैता सा बुलाई सुना हो साले ए भैया कहता कि सार लोग अगर हम ना रहती तई तो हम लोग के बैल आज बहक गई रहता सन ई तो हमार धन भाग मनाव जा कि वही रास्ता से हम आवत रही हाँ यानी कि चीन गई रही कि नहीं नहीं हमारे ससुरे के ही बैल हव सन हमार सरवने के ही बैल हव सन ई बैल हाँ के तो हम लोग के द्वार पर ले जाके पहुँचा गई ना तो दूसरे गांव में बहक के चल गई रहता सन सरवा कहता कि पहुँच जाए तो बड़ा भलाई कैल बड़ा निक काम कैल आव बैठ बैठौले बा खाटी ओटी बिछा के बिछौना बिछौले बा खाटी पर बैठौलस लेकिन भइल का बाबू सार द्वार पर बैठौले बा तूफनिया के तले छोटका सार देखलस कि जीजा आइल बण दौड़ल जाके अपना माई से बताओ तो के मई मई जीजा आइल बण बहनियों से कहलस के बहनिया जीजा जी आइल बण अब तो बहनियों के गोड़ दौरी में ना पड़े सास खुशी से झूमत रही कि हमार दामाद आइल बा घर में खटिया उटिया बिछा के लड़का से छोटका से कहली कि जो पाहुन के बुला लिया जाके जीजा के बुला लिया छोटका सार गइल बा करत का बा कहता तूफानी से चल जीजा घरे बोलावतिया माई पानी जल पी के तनी लीही ना जुड़ाई चली जीजा घरे बोलावतिया माई पानी जल पी के तनी ली ना जुड़ाई चली देर न लगाई चली देर न लगाई आगे आगे चल लिया के छोटका सारावा छूट गईल संग चली गई ने पिछुआ रवा सोचलन तूफानी भाई अब के ने जाई
तूफानी भाई अब के ने जाई, चली देर न लगाई, चली देर न लगाई। तूफानी लाल के छोटका सारायल कहलस की जीजा चल माई बोलावतिया, बड़ा खुश बोलन की सास हमर बड़ा हमके मानतारी। चलन रात होइए गेल बाटे, रतमनी उखते बाटे इनका, लौकत तो एकदम नहीं खे। कोई छोटका सार के आवाज के सहारे छोटका सार के पीछे पीछे चलन, चुलबुली लड़का रहे छोटका सार, दौड़ के भाग के आगे घर में चल गई। आ इनकर संग छूट गई लोकर, अभी सोचे लगल कि अब के नहीं जाई, वही खोजत खोजत जाए के घर है तो भूसहुले में चल जाता, जहाँ भूसा वाला घर बा, जहाँ गोरु बछरू के भूसा रखल बा। भूसहुल में घुस गईलन, खोप में घुस गईलन, देखत कि तब भाई गड़बड़ हो गई, भूसा वाला घर में हम आ गईली। तले सरवा बड़का आवत दुआर पर, अरे जी जाए भूसा वाला घर में क्या करता हूँ, कहता के सार कहीं के देखत रही कि भूसा उसा कितना रखले बड़ जा। वो अपन कमी तो छिपावत आ तूफनिया, ये नहीं खे कहत के उले के हमारा लौकत नहीं खे, कल की चल 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 माई बोलावती है। अपन ध के भूसौला वाला घर में से बड़का सार निकलस, कलस की चल लिया गुल घरे, खाटी पर बैठौलस घर में जहाँ इनकर ओकर माई रहली माने इनकर सास। आखिरकार रात में खिया पिया के पूरा ठीक से ले आके दुआर पर बेचारा के सुतौलन सन। तूफानी सोचत हूँ कि भाई केहू जाने मत कि हमारा रतौनी बैल बा, हमारा ना लौकेला, ससुरार के बात बा, इज्जत चल जाई तो रात के पर पेशाब लागी तो केने जाई। सोचत आ तूफनिया, आखिर उपाय लगौलस अपन धोती के खूंट एगो पकड़ के, आ धोती खोल के वही खटिया के चाना में बांध दियलस। कहलस कि चल भाई धोती के सहारे पेशाब उशाब लगहन तो हम उन्हें लघुशंका कर लेबा कह के फिर यही के सारे खटिया पर चलिए। रात कुछ गईल, तूफानी के पेशाब लागल, तूफानिया ये भैया चलल बा वही मानन फानन में, ओकर धोती के खूट खुल जाता और चना से आगे बढ़ गई। अब खटिया खोजा तो चारू ओर है ये लौकते निके कहाँ खटिया बा, आखिर खोजत तो वही गांव के बहरे चल गई बा। और कुआ रहे वही दुआरे पर, एक ससुर के दुआरे पर कुआ रहे, धड़ाम दे जा कोई कुएं में गिरल बा। गांव जुटल का भइल का भइल का भइल, लेकिन देखो भइल का अब एकरा आगे तूफानी का तूफान मचाओ तरण कि गिरल है तूफानी कुइया जागल गौवा टोलावा तीर छोलावा। अरे पूछे पुरावासी कैसे गिरले कुआनावा, दीर्घ संख्या करे जात रहली शिवानावा। गांव घर जुटल बा, भीड़ लाग गईल उनका द्वार पर, वही कुइया पर का भइल का भइल देखत है तो वही में आदमी निकालल। पहले तो सब गांव कहल कि मारा मारा चोर है, बैल खोले आई रहला, कैसे कुइया में गिर गई बा, इनार में गिर गई है। कहलस कि अरे भाई नहीं हम चोर चाहे ना ही, हमारा मर मैदान होके खाती मन कैलस गजात लिया शिवान में, शिवान में ले मरखावा साण लखेद लेलस।
अब अपन जान बचावे खातिर भगलि एने तले कुइया लग गई हम कुइया में त गिरी गईली हँ, लेकिन संयोग रहा कि कुइयों के बड़ा हम विशेषता सुनले रही हँ। यही भागे पतो लागल कि केतना पानी बा कुइया में। अपन कमी नहीं खे बताव तू तूफनिया के हमारे नाही ना लौकत नहीं खे रतौनी होला। अपन ओजो तूफान मचाव त झूठ बोल बोल। लेकिन बाबू भइल का टेरी के बात कवि जी लिखलन, अरे ससुरारी में हंगामा कर दिया, ए भैया ससुरारी में हंगामा कर दिया, गलती करे कबूल न दर्जे बन के गामा। तब अपन कमी छुपावत बा, लेकिन एकदम अकड़ के बोलत बा कि देखा जा भाई हम पता लगा लिया कि तह लोग के इनार केतना गहिर बा केतना पानी बा। दू गो गलती त अपन छिपा लियलस। अब तीसरा दिन के बाद सुनो, तीसरा दिन रहल बा सास ससुर अपन सार सेवा में लागल बड़स। तीसरा दिन रात खान साँझ के सास कहली कि जा सब बुला ले उसने जीजा जी खा लेस। गई बटे घर में ओकर सास खियाव तड़ी पीढ़ा पर बैठल बा बेचारा, आ सास ओकर दही लेके कहतरी में बेहूड़ी में एक बेहूड़ी दही लेके आके आ गही बैठल बड़ी। आ सोचे तरी कि तरी पाहुन के जो दही जितना आइल बड़ा खा लेस, दही दूध के कमी नहीं खे। चप चप गिराव तड़ी वही ओकरा थरिया में, आ ओकरा तो लौकत नहीं खे तूफानिया के। तूफान पहले तो कहता बिल बिल उ जानत अटे कि कौन बिलारी है। ओकर मेहरारू बतौले रहे कि हमारा घर में हमारा नैहर एगो भुअरकी बिलार बे, केहू के थरिया में अपन मुंह लगा के चपर चपर खाए लगे। कहता बिल 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 ना मनबू ना मनबू करत आप तूफनिया। आखिर कैले का बात तूफनिया, अरे खींच के पिढ़ाई मारे जान बिलार बूढ़ी ची करेली, खींच के पिढ़ाई मारे जान बिलार बूढ़ी ची करेली, अगिरी धरती पर फाट गईल कपार बूढ़ी ची करेली। बिल बिल बिलावे जान के भुअरी बिलार हो, तानी पिढ़ई मरलस फोरलस सासु के लीलार हो, अरे भइल आंगन में भीड़ बरियार बूढ़ी ची करेली, भइल आंगन में भीड़ बरियार बूढ़ी ची करेली, लाठी लेके दौड़ल छोटका सार बूढ़ी ची करेली। ए बाबू उ जनलस की बिलार है और तो सास दही देत रहली, पीढ़ा पले उठ के खींच के मरलस एक पीढ़ा। आई 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 सास कोई के कपार फाट गए धरती पर गिरल बड़ी घर में। भइल हल्ला गांव जवार जुटल, गांव घर कुल जुटल टोला महाला वही आंगन में। का भइल का भइल का भइल रात के टाइम में सार जब सुनलस कि माई के मार दिहलस, सरवा का पारे फार दिहलस पीढ़ा से मार के, लाठी लेके दौड़ल कलस की तार चल जाना तो तनिको खैर खैर नहीं खे। यही राति भागा ना था, लेकिन धारा धरौआ लागल, अरे भाई पाहुन अवन पाहुन अवन पाहुन अवन तूफनिया तूफान मचौले बा कलस के। अरे भाई हम तो माना करते रहली हैं कि मान जा मान जा, अब मनते नहीं खी तो का करें। ओजो देखा ओजो गलती छिपावे के फेरा में पाया अपन। कहल जला कि एगो झूठ छिपावे खातिर सौ गो झूठ बोले के पड़ेला, आ तबो ना छिपे।
मेन चीज है कहानी के निष्कर्ष ये रहल कि एगो गलती छिपावे खातिर सौ गो गलती करे के पड़ेला। आज तूफनिया देखा है एगो अपन चीज रतौधी छिपावे खातिर ससुरारी में जाके तूफान मचा के कौगो गलती कर दिया। लेकिन भैल का बाबू अल्लाह के लाइन में कभी जी लिखलन जैसे कि सूरी मनैया सूरी आई हो जाला बाका बाका बोले बंदा करे ना जुबानी वैसे तूफानिया तू फनवा मचाई रे दिहलस में जारी पहुंचल गुजरिया दादा ई कब से तुहरा धैल बाटया बबानी कवन समान सर पे तुहरा सवार भैले क्रोधवा में ऐसे हाथ धई के तू नोकानी का परेशानी बाटे हमके बताई हो दे तो भइल बा रतौधी सुनाये हमार जानी भूसा में गाड़ी दे के बोलल बे गुजरिया सरका दिने मेहरारू के बर्दाश्त ना भइलो करा खा पी के सुतल बाते ही पहुंचल बे धीरे धीरे उकरा जरी जाके कहलस की कारे नतिया तू आइल बड़े इज्जत बनावे जाई बताऊ कौन भूत तोरा कपार पर सवार हो गई पहले तो ऐसा ना रहले ई का हो गई की कुल आई के जा करमात कैले कान ध के दोनों उठता बैठता कहलस की हमार तू मेहरारू हो तारा से सही सही बताओ तनी हमारा रतौधी भइल बा हमारा लौकत नहीं खे रात के वे कान धई के मेहरारू दुई चटका मरलस कहलस कि नतीऊ तहे बतिया तू बतौले काहे ना पहले आ सुन यही में खैर बा कि फजीर होखे से पहले गांव छोड़ के जल्दी भाग जो ना तो सवेरे तोरे कहू कपार पर बार ना रह जाए गांव घर कुल सलाह कर ले बा हम मेहरारू ही बता देता नहीं कि सूर्योदय से पहले ही गांव छोड़ के जल्दी भाग जो अपने गांव में चल जो ना तब खैर नहीं खे आखिर नतीजा निकलल का बाबू कि क्रोध में मरल से झोटा धई के गाल में दुई चटका करे ऐला ससुरारी मेरा तौदी टोटका कान धाई के दुई थपर मरलस बतावत पे कहत पे मेहरारू समझावत पे का कहलस कि गिरला इनारवा फोरला माई के कपरावा आ यही जा से भाग जा तू हो तभी नुसारावा नहीं तो दहिया पर सोट तुहरा बरसी मोटा काप होत सवेरे जल्दी भाग जाना तो सुन लो कि नहीं तो दहिया पर सोट तुहरा बरसी मोटा काप करे ऐला ससुरारी में रतौधी टोटा काप।
ई रहल तूफानी लाल के तूफान। आखिरकार मेहरारू के कैला कहला से भोरे भोरे भगलन अइलन अपना गाँव में। और यही लाइन पर पूरा लिखल गई कहानी कि मने एगो गलती छिपावे खाती कई गो गलती करे के पड़ेला, एगो झूठ छिपावे खाती सही गो झूठ बोले के पड़ेला। तो ए बाबू ए गाना के शीर्षक रखल गई तूफानी के तूफान। गाना के अंतिम लाइन रहल कवि जी लिखलन है, का लिखलन, जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे रविंदर अनुज की तैयारी, अरे ओ ससुरारी में हंगामा कर दिया, ससुरारी में हंगामा कर दिया, रविंदर ओम प्रकाश